वो 30 साल से आता रहा मगर किसी को भनक भी नहीं। जिस रास्ते पर लोग आने जाने से डरा करते थे, वो कभी उस रास्ते पर जाने से कभी घबराया नहीं। और फिर क्या हमें जो होता है, किसे क्यों भाषा करने, क्या जो होता है भाई साहब, हम ना हम क्या कुछ जोते चाहिए, ले लो कोई बात नहीं, जो भैया चले जाना, कोई जोत नहीं। जिस रास्ते पर गुंडे मवालियों का राज हुआ करता था, उन गुंडों ने उसे कभी छेड़ा तक नहीं। दोस्ती क्या जो है, दोस्ती करने क्या बात है, किसी तक क्यों कटवाओ ना, किसे ऐसा क्यों बोला, अपने काम से काम बुढ़ा नौजवान, हमें क्या जो है किसी से कहने की है। 50 की उम्र में आखिर वो क्या करता था 30 किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाकर। आखिर कहां जाया करता था, कभी किसी ने उससे पूछा नहीं। जहां लोग बिन मोटरसाइकिल बिन कार बाजार तक नहीं जाते, आखिर यह शख्स 30 किलोमीटर साइकिल पर कैसे चलता था, आखिर कौन था यह शख्स। क्या आप बिन मोटरसाइकिल बिन कार 35 किलोमीटर कर पाएंगे सफर, वो भी साइकिल से, और एक दो दिन नहीं पूरे 40 साल तक? जी हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता, वैसे असंभव है कि कोई इंसान रोजाना 35 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर वो भी 40 वर्षों से आना जाना करता है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, वो अपना काम नहीं छोड़ता। एक रेडीमेड की दुकान करने वाला रोजाना 40 साल से लगातार 35 किलोमीटर साइकिल पे सफर करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है रविंदर पूरा महादेव वाले। अच्छा ये बताओ, जैसे लोग तो आजकल बिना कार बिना मोटरसाइकिल के यात्रा नहीं करते, और ऐसा क्या राज है कि आप साइकिल से ही यात्रा करते हो? कभी सोचा नहीं कि भाई मैं मोटरसाइकिल ले लूं? नहीं सोचा जी, मेहनत सबसे बड़ी चीज है। मेहनत करो, या आदमी मेहनत करेगा तो सफल होगा ना, कैसे भी होगा सफल होने चाहिए। मेहनत करो, जितनी मेहनत होती हो सही जितना चलाओगे उतना फायदेमंद हो जाएगा, हाजमा बनेगा, सही होगा, स्वस्थ रहेगा। हमारी उम्र 55 साल की। आप अच्छा रहने वाले कहाँ के हो? पूरा महादेव। और ये क्या काम करते हो आप? बिलोली रेडीमेड की दुकान। अच्छा रेडीमेड की। 40 साल से आते जाते हो? हाँ जी 40 साल। अच्छा उम्र कितनी होगी? 55 साल। भाई देख सकते हैं आप, 55 साल इनकी उम्र है और 35 साल इन्हें हो गए हैं, 35-40 साल, और साइकिल से 32-35 किलोमीटर रोजाना इसी से यात्रा करते हैं। और बात यह है कि वैसे रविंदर जी, कभी ख्याल तो आया होगा कि भाई मोटरसाइकिल ले लूँ, या कभी एक दो बार आए हो? ऐसा नहीं हुआ जी, हुआ मानो फिर मैंने मोटरसाइकिल ना थी है ना है पास, मेरे पास चलाता नहीं। नहीं कभी आए हो? ना ऐसा नहीं हुआ। अच्छा आए नहीं? साइकिल से आए। 35 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना तो शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, मतलब कैसा स्वस्थ, कैसी नींद आती होगी रोजाना? स्वस्थ, बढ़िया नींद आती है, मजा आता है क्या बात है। अच्छा शाम को सोते हो सुबह को उठते? हाँ मजा आता है क्या बात है, स्वस्थ चीज है, मानो क्या नहीं हो पाता, सब होता है। मेहनत करो, मेहनत से बदल कोई चीज नहीं है। अच्छा मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम जो गर्मी है वो काफ़ी है, जब सुबह शाम आते जाते होंगे तो पसीना भी आता होगा? पसीना भी आवे, या जब सर्दी हो गर्मी हो कोई भी चीज़ हो, मेरे कोई होने आंदी हो तो फन में सो जाता जाता हूँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बनती है। समय ऐसी चीज़ है, वरना आना जाना चाहिए। बारिश हो चमासा हो खसा हो जाडा हो मौसम रात हो रात में तो चलता है। आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई कोई भी बिना मोटरसाइकिल के या कार के यात्रा नहीं करता, और वो भी 30-35 किलोमीटर रोज चलना यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसमें क्या ले रहे हो रविंदर, इसमें क्या है? पानी है, पानी पीने के लिए हो क्या? अच्छा रास्ते में प्यास भी लगती है तो पानी पी लेते हो क्या? बस ना हो कुआ कहीं ना मिले पानी तो क्या, अपना पानी तो खाना चाहिए। तो जैसे आप 40 सालों से इस रास्ते से आते जाते रहे हैं, कभी लूट पाट हुई हो, गुंडागर्दी जैसे पहले होती थी, तो कभी कोई गुंडे चोर मिले आपको? देखो साधारण आदमी के साथ कोई ऐसा नहीं होता, क्यों अपना किसी से क्या मत बोला है, अपने काम से इतनी काम, हमें क्या जरूरत है जी, कोई बैठा अपना दुआ सलाम लिखो अपना चले जाओ, क्या बात है। नहीं कभी किसी गुंडे ने रोकने की कोशिश की? जी नहीं, हमें क्या जरूरत है मारपीट? मारपीट क्या हमें जरूरत है, किसे क्यों भाषा करनी, क्या जरूरत है भाई साहब, हम ना हम क्या कुछ जोते चाहिए, ले लो कोई बात नहीं, जो भैया चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं। तो लूटपाट भी नहीं हमें? नहीं कहा जी। अच्छा
वैसे मिले तो होंगे जरूर, मिलते जुलते हो, हमें क्या, क्योंकि पहले गुंडागर्दी ज्यादा होती थी। अभी मैं बात करूं अगर गलैता रोड जो है बिनोली वाला, इस पे बता जाता है कि भाई लूटपाट आज से 10 साल पहले खूब होती थी, लोग इससे दोपहरी में आते जाते भी नहीं थे। हम तो दोपहर भी आए सुबह भी, हमें कोई पसंद नहीं हुआ ऐसा। हम तो कैटवॉक भी आए सराय को भी आए, घूम का वास्ते तो नहीं थे पहले आएंगे। वो कहीं आपकी दुश्मन डाकुओं से दोस्ती तो दोस्ती क्या जरूरत है, दोस्ती करने की क्या बात है, किसी तक क्यों कटवाऊ ना, किसे ऐसा क्यों बोला, मैंने अपने काम से काम बुढ़ा मौजवान हमें क्या जरूरत है किसी से कहने की। जी अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूँ आपके बिजनेस को लेकर, तो क्या कमाई कर लेते हो दिन में? बस कमाई वमाई तो कुछ ना है, बच्चे बाद में भाई हो तो करना पड़े है, हिलना क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, जब तक लॉकडाउन लगा मामला खत्म है, सब मामले खत्म हो गए जी, बिल्कुल भी लोग क्या भी निपट पाता तो। लेकिन फिर भी आपकी मैं मेहनत मानता हूँ, आप रोज आना आना जाना, आप चाहते तो कोई और काम भी कर सकते थे, अपना पूरा महादेव पे भी कर सकते थे, लेकिन कभी मन में ख्याल ही नहीं आपके। बस 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 चलो जैसे भी चलो, इलाहाबाद करना चाहिए, जैसे भी 100 डंडा चौक काट दी सब कर ले क्या है भाई, एक नंबर आदि का खा लेंगे क्या जो ये। कहीं ऐसा हो सकता है जिस दुकान में आप करते हो 40 वर्षों से करते आए हो, एक हो जाता ना अपना लगाओ, अपनापन हो जाता है, तो दुकान से मुझे लग रहा है आपका अपनापन हो गया। बस लगाओ तो होना चाहिए, बिना लगाओ तो कुछ चीज होती, मेहनत करनी चाहिए कोई भी चीज है, बस नो है सबर करना चाहिए, आधी से ना कम मिले वो भी सबर करना चाहिए, जहाँ आधी खाते आधे तक कम खा लो क्या जो ही है, सबर सबसे बड़ी चीज है, संतोष करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रविंदर भाई अपने जीवन में काफ़ी मेहनत इन्होंने की है, साइकिल से रोजाना आना जाना 40 वर्षों से रोजाना 30 से 35 किलोमीटर रोजाना चलते हैं। दोस्तों यही कहा जाता है कि कसरत करना ज़रूरी है, आप साइकिल भी मत चलाओ लेकिन रोजाना आपको थोड़ा सा कसरत करनी चाहिए अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।